Hey everyone, welcome back to my channel Tips with Aarvi. Guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स स्मूदी, जो कि आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. गाइज, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने डेली डाइट में ओट्स को जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कि आपको ईजिली फुलफिल रखेगा, साथ ही आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो गाइज, बिना किसी टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं इस स्मूदी को बनाना कैसे है. बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही उसके बाद छोटा सा बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे. बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले यहाँ गाइज आपको 2 से 3 चम्मच ओट्स लेना है. देन आपको यहाँ एक बनाना लेना है, मतलब एक केला लेना है. गाइज, आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरह का स्वीट ऐड नहीं करेंगे. तो आपको यहाँ बनाना अच्छे से पका हुआ और मीठा लेना है, जिससे कि हमारी स्मूदी थोड़ी सी हमें मीठी लगे और टेस्टी भी लगे और हेल्दी भी लगे. आपको 2 से 3 चम्मच ओट्स ले लेना है. देन उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देना, जिससे कि इसमें थोड़े से आधा घंटे के लिए आपको इसी तरह भिगो के रख देना है, जिससे कि जो ओट्स हो वो अच्छे से इसमें मिल जाए और घुल जाए. देन उसके बाद हमारी स्मूदी बनाएंगे. तो यहाँ आपको थोड़ी देर से आधा घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए. देन आपको यहाँ एक ग्राइंडर जार लेना है, उसमें आपको इन दोनों चीज़ को ऐड कर देना है. यहाँ मिल्क और जो हमने ओट्स भिगोए थे उनको इसमें ऐड कर देना है. देन बनाना भी आपको पूरा इसमें ऐड कर देना है. उसके बाद गाइस जो हमारा बचा हुआ मिल्क है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए और उसके बाद आप इसमें अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए. गाइस, यहाँ आप कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग. आप अगर यहाँ आलमंड मिल्क लेना चाहें, जो भी आप सोया मिल्क लेना चाहें, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं आपके हिसाब से. बट यहाँ आपको ओट्स 2 से 3 चम्मच लेना है और एक बनाना लेना है. देन आपको मिल्क लेना है. तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है आपको ग्राइंडर जार में डालकर. उसके बाद गाइस यहाँ आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसकी स्मूदी बना लेना है. यहाँ पूरा मिल्क आपको ऐड कर देना है. यहाँ हमने एक ग्लास मिल्क लिया है. गाइस, ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. अगर आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ हनी ऐड नहीं किया है. आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो हनी भी ऐड कर सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं. गाइस, यहाँ हमारी स्मूदी बनकर रेडी हो चुकी है. तो आपको इसको स्ट्रेन नहीं करना, इस तरीके से आपको गिलास में निकाल लेना है. गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा. ये हमारी ओट्स स्मूदी बनके रेडी हो चुकी है. बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है. अब गाइस, आपको लेना कब है, आप इसे ब्रेकफास्ट के रूप में ले सकते हैं. जब आप सुबह मॉर्निंग में उठे, जब आप ब्रेकफास्ट करने जाए, तब उस टाइम आप इसे ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के रूप में, जो कि आपको दिन भर फिल रखेगा, आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा और आपका वेट लूज करेगा. साथ ही गाइस, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा करेगा और आपके वेट लूज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा. ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही. वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय.